हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, जो कि मुंबई का सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर पाव ले लिए हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल मिलते हैं। लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बटर ले लिया है हमने, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला ले लिया है, आधा कटोरी मटर, 3 बड़े आलू को उबाल कर हमने कद्दूकस कर लिया है, 2 छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 2 छोटे टमाटर बारीक कटे हुए ले लिए हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कद्दूकस की हुई गोभी यहाँ पे आधी का छोटी कटोरी आप ले लीजिए, फूड कलर ऑरेंज और रेड कलर जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में बटर डाल दिया, बटर थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जो हमने बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज को मिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा प्याज का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट करना है। 1 मिनट में वो कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे ही प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये देखिए कुछ इस तरह, हमने जो बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए थे वो हम अब इसमें डाल देंगे, साथ ही लहसुन और हरी मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक की पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। 2 से 3 मिनट हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं। अब हमने इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, और यहाँ पे हमने जो पाव भाजी मसाला ले लिया था 1 टेबल स्पून, हम इसमें वो भी डाल देंगे और इन सारे सूखे मसालों को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसे भी हम 2 मिनट छोड़ देंगे, पकने देंगे। अब आप देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। इसका कलर अच्छा है, पर मार्केट जैसे कलर लाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर जो ले लिया था वो डाल देंगे, ताकि ये पाव भाजी हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी बने। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाला तैयार है। अब हमने जो कद्दूकस किए हुए आलू ले ली थी वो डाल देंगे इसमें, गोभी डाल दी हमने, साथ ही हमारी जितनी भी सब्जियां हैं मटर डाल देंगे। अगर आप शिमला मिर्च पसंद करते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर इग्नोर की है। इन सारे मसालों को मैश करते हुए अच्छे से मिलाना है। ये देखिए, एक्चुअली आप चाहें तो मटर को मैश कर सकते हैं, बट मुझे ये इसी तरह पसंद है इसलिए मैंने मटर को पूरी तरह मैश नहीं किया है। आलू हमने कद्दूकस करके ले लिए थे ऑलरेडी, इसलिए हमें इसे कढ़ाई में मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी ले लिया था, वो अब हमने इसमें डाल दिया है और धीमी आंच पर इसे चलाते हुए मिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हम पकने देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे हमारी जो पाव भाजी है जैसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए थी वैसी हमें मिल चुकी है, काफ़ी अच्छी, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, जैसी अवेलेबल होती है मार्केट में। अब हमने इसे लास्ट में हरा धनिया डालकर डेकोरेट कर लिया। हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब दूसरी ओर हम पाव को तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हमने बटर ले लिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। जैसे ही बटर थोड़ा मेल्ट होने लगे, हमने पाव को बीच में से काट लिया था, अब हम इस बटर पे पाव रख लेंगे और इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे। हमारी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है।